इसी T20 वर्ल्ड कप विमेंस का वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होने वाला है। एक तस्वीर तो आप सभी को सीरीज स्टार्ट होने के पहले ही क्लियर होगी कि यहाँ पे मैग लैनिंग ही आपको दिखाई देंगी एज ए कैप्टन। लेकिन ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, आपने सोचा नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका विमेंस की टीम फाइनल में जाएगी। अब यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल क्लियर है, वन साइडेड मैच होने वाला है जहाँ की ऑस्ट्रेलिया विमेन की टीम इनको आसानी से हरा करके एक बार फिर से 6 टाइम T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत जाएगी। हमने सोचा था यहाँ पे इंग्लैंड की टीम होगी, लेकिन आपको पता है इंग्लैंड की टीम का, इंग्लैंड को कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया की टीम ने भी सेमीफाइनल में हराया था और फाइनल में फिर ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। तो यहाँ पे वही कहानी रिपीट हुई, इंग्लैंड विमेन की टीम छोटे स्कोर को भी बनाने के लिए काफ़ी विकेट्स गिरा देती है अपना, गिरने देती है अपना, तो वही कहानी आपको देखने को मिली। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि आपको कैसे इसमें टीम बनानी है, कौन सी प्लेइंग एलेवन रहेगी और कैसे आप बड़ी विनिंग कर सकते हो ड्रीम एलेवन में और दूसरे फैंटेसी ऐप में। यहाँ तक कि मैं ग्रैंड लीग के लिए भी स्पेसिफिकली इसमें गाइड करूँगा आप सभी को कि किस तरीके से आपको ग्रैंड लीग की टीम बनानी है, स्मॉल लीग की टीम बनानी है, सब कुछ आपको मिलेगा। बस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। मैं हमेशा एकमात्र बात में है हमारी जिसमें मैं फोकस करता हूँ, डैट इज सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। आप लोग सीखने वाला एलिमेंट अपनी लाइफ से एलिमिनेट करते जा रहे हो, रिमूव करते जा रहे हो, सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ये नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव कर लेना, बहुत काम देगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम दूंगा किस तरीके से टीम बनानी है उस पर, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो वेन्यू है यहाँ पे ही सारे मैचेज आपको देखने को मिले हैं वर्ल्ड कप के, कैप टाउन में सारे मैचेज देखने को मिले हैं। कुछ यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम गया है, कुछ यहाँ पे लो स्कोरिंग गेम गया है। हाई स्कोरिंग गेम की बात करूँ तो पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड का मैच था, वहाँ 213 उन्होंने बना दिया था। लास्ट मैच जो साउथ अफ्रीका जीत करके आ रही है उसमें पहले बैटिंग करते हुए 164 बनाया और इंग्लैंड जैसी इतनी अच्छी टीम को 158 पर रोक दिया। यहाँ पर जब विमेंस का मैच होता है वहाँ पर पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को मदद मिलती है, स्पिनर्स भी विकेट चटकाते हैं, पेसर्स को भी विकेट मिलते हैं, तो वहाँ पर वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट इररेलीवेंट हो जाता है। कैप टाउन की जो पिच है वो खास करके बैट्समैन फ्रेंडली होती है, रन अच्छे बनते हैं बड़ी टीम्स के बीच में, जब भी मुकाबला होता है बड़ा स्कोर बनता है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जब मैच हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 172 बनाया था, इंडिया ऑलमोस्ट जीत चुकी थी सेमीफाइनल मुकाबले में, 167 इंडिया बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ अच्छी बैटिंग पिच है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोनों टीम की तरफ से कौन से प्लेयर आपको लेने चाहिए, कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट हैं। अब चूंकि पूरा टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, एक ही मैच है, तो अपने को कोई स्कोर बोर्ड, स्कोर कार्ड और प्लेयर्स के स्टैट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, याद है कौन से प्लेयर फॉर्म में है। अब डिपेंड ये करता है आप टीम कैसे बनाते हो। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की पहले बॉलिंग आएगी तो जिस तरीके का इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने परफॉर्मेंस किया, विकेट ज़्यादा गिरने नहीं दिए, 164 रन बना, 4 विकेट गिरा, लेकिन वो सेम कहानी यहाँ रिपीट नहीं होने वाली है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो ऑस्ट्रेलिया आसानी से उनको 120 130 रन पे रोक देगी, उससे ज़्यादा रन साउथ अफ्रीका की टीम नहीं बना पाएगी। तो यहाँ पे इंग्लैंड से ज़्यादा अच्छे बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, इसलिए 5 बार के विश्व चैम्पियन है। तो पहले मैं एक टीम बना करके आपको दूंगा जिसमें ये मान के मैं बना रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग है, ऑस्ट्रेलिया की पहले बॉलिंग है। उस केस में आपको इनको लेकर के चलना है, इनका 4 ओवर कंफर्म है, ये बॉलिंग कराएंगी, विकेट टेकिंग बॉलर है और लगातार इनको विकेट्स मिल रहा है और डेथ ओवर में करती हैं, खास बात है। प्लस यहाँ पर डार्सी ब्राउन, ये जो दो बॉलर इनके 4-4 ओवर लगभग कन्फर्म रहता है। डार्सी ब्राउन को कई बार 3 ओवर भी मिलता है अगर इनकी ज़्यादा पिटाई हो जाती है, तो पिटाई करने वाला कोई बैट्समैन है नहीं, एक दो प्लेयर है, मैं बता देता हूँ साउथ अफ्रीका की तरफ से, ये दोनों आपको लेके चलने ही चलने हैं। अब आते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ पे गार्डनर का भी लगभग 4 ओवर पक्का है, गार्डनर इंपॉर्टेंट है। वैसे जनरली गार्डनर को आप देखोगे कि लेफ्ट हैंडर्स हैं उसके अगेंस्ट में करती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट हैंडर्स को ये ज़्यादा आउट करती हैं। तो अगर कोई भी YouTube पे आकर के आपको ये बोलेगा कि गार्डनर इस मैच में बॉलिंग नहीं करेगी, विकेट नहीं लेगी, तो समझ जाना कि आप हारने वाले हो। सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वालों की लिस्ट में गार्डनर का फिर से नाम रहेगा, तो आपको इनको लेकर के चलना है, ये 3 प्लेयर। प्लस यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, वेयरहैम, मैंने लास्ट मैच में इनको नहीं लिया था, आपको इंडिया और इंग्लैंड वाला मैच याद, इंडिया वाला मैच याद होगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला, उसमें हमने बहुत सारे चीज़ें ऐसी की थी जो कि
वन साइड हमने विन कर लिया था। मैं आपको दिखाऊंगा वो टीम भी, अभी दिखाऊंगा आपको पता लग जाएगा। बट इस मैच में वेयरहैम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका भी 3 से 4 ओवर कन्फर्म है। तो जितने भी बॉलर हैं उसमें से ये जो 4 प्लेयर हैं इनको आपको लेकर के चलना है। अब आते हैं सीधे बैटिंग सेक्शन में। एलिसा हैली, बैथ मुनी दोनों अच्छी फॉर्म में चल रही हैं, इन दोनों को आपको लेकर चलना है, प्लस मैग लेनिंग को आपको लेकर के चलना है। ये 3 प्लेयर आपके लिए मस्ट पिक हैं। इसके अलावा यहाँ पे ताहिला मैगराथ नीचे बैटिंग करने आती है, बॉलिंग 1 ओवर 2 ओवर मिल सकता है बहुत ही रेयरली। उसके बाद ग्रास हैरिस आती है, ग्रास हैरिस ने एक मैच में 2 ओवर बॉलिंग करा करके 2 विकेट लिया था, तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। एलिसा पैरी की बात की जाए, ये भी 1 2 3 ओवर करा सकती हैं और 1 ओवर करा के भी 1 2 विकेट ले जा सकती हैं। तो अब यहाँ पे इनको आप ले सकते हो, इनको आप तब लेना जब इनकी टीम की पहले बैटिंग आ रही है। याद रखना, अगर पहले बैटिंग आ रही है तब एलिसा पैरी को लेना। ये जो मैं टीम बना रहा हूँ ये मान के बना रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की पहले बॉलिंग है। इसके बाद यहाँ पे इनकी टीम की तरफ से और किसी का बॉलिंग का कंफर्म नहीं है। एक जोनासन है, 1 2 ओवर करा सकती हैं। एलाना किंग अगर खेलती हैं तो 1 2 ओवर 3 ओवर करा सकती हैं, और बाकी किसी को आपको नहीं लेना। एलिसा पैरी को आप ले सकते हो, मैंने आपको बताया, वो आप ट्राई कर सकते हो। अब साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। वुल्वरेट बहुत अच्छी फॉर्म में है, लगातार 2 हाफ सेंचुरी लगा के आ रही है, इंपॉर्टेंट रहेंगी। टी ब्रिट्स को 83% लोगों ने लिया है लास्ट 2 मैच से, आपको पता है लास्ट मैच में भी हाफ सेंचुरी लगाई, बट इनको आपको नहीं लेना है इस मैच में, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चारों ट्राई कर सकते हो। लास्ट मैच में देखा कि सारे कैच इनको ही मिलते जा रहे थे। जो इंग्लैंड के 8 विकेट गिरे थे उनमें से मेरे को जहाँ तक याद है 1 2 3 4, मैं अभी सामने देख रहा हूँ, 4 कैच इन्होंने लिया था 8 में से। तो कैच लेने के लिए तो आप इनको अपनी टीम में लोगे नहीं। बैटिंग इन्होंने बहुत शानदार की थी और लास्ट मैच में 68 रन की इनिंग खेली थी, बट इनको आपको नहीं लेना है इस मैच में। अभी मैं फ़िलहाल ड्रीम 11 की टीम आपको बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे एम कैंप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 4 ओवर की बॉलिंग कराएंगी प्लस आपको बैटिंग करके देंगी। टॉप ऑर्डर में वन डाउन बैटिंग करने आती है, लास्ट मैच में 27 रन बनाया और विकेट इनको नहीं मिला, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा 2 और प्लेयर है जो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है इनकी टीम की तरफ से। एक शबनम इस्माइल है जो कि डेथ ओवर में करती है, लास्ट मैच में भी 3 विकेट लिए, अच्छी फॉर्म में विकेट गिर ले सकती हैं ये फिर से। इसके अलावा यहाँ पे खाका बहुत अच्छी फॉर्म में है, वैसे यहाँ पे मलाबा भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पावर प्ले में आती हैं। हो सकता है कि यहाँ पे एलिसा हैली को जल्दी आउट कर दें, बट यहाँ पे सामने लेफ्ट हैंडर मूनी भी रहेंगे इनके साथ, तो मूनी उनकी पिटाई कर सकती हैं। बट यहाँ पे एलिसा हैली हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, अभी तक लगातार अच्छा खेला, हो सकता है मलाबा इनको आउट कर दें जल्दी, पॉसिबिलिटी है। फिलहाल के लिए ये जो मैंने टीम बनाई है ड्रीम 11 की टीम है, और ये मान करके मैंने बनाया है कि यहाँ पे पहले बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की है, और ऑस्ट्रेलिया के अगर पहले बैटिंग भी आएगी तो वो भी बहुत ज़्यादा टीम में चेंज नहीं कर रहा है। उस केस में मैं एक बॉलर यहाँ से हटाऊँगा, वेयरहैम को, यानी पहले बॉलिंग आएगी साउथ अफ्रीका की, उस केस में इनकी जगह पे मैं मलाबा को ले लूँगा, बाकी बैट्समैन सेम रहेंगे। एक बैट्समैन अगर आप ऐड करना चाहो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ताहिला मैगराथ को, बट फिर भी इनकी बैटिंग कितनी आएगी कंफर्म नहीं है। उस केस में भी एलिसा पैरी को लोगे तो ज़्यादा बेटर है। एलिसा पैरी को मैंने बताया कि जब पहले बैटिंग आएगी ऑस्ट्रेलिया की उस केस में आपको एलिसा पैरी को लेना है, तो फिर आप यहाँ पे वेयरहैम को हटा करके सीधे सीधे एलिसा पैरी को ले लेना, तब भी ये 4 प्लेयर सेम रहेंगे जो मैंने साउथ अफ्रीका के लिए हैं। अभी एक प्लेयर है जो कि मैच विनर प्लेयर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रायोन। आपको याद है कि एक मैच में इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, हमने उस मैच में इनको लिया था, अल्ट्रा क्लीन स्वीप हमने किया था, तो आप यहाँ पे ट्रायोन को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ट्रायोन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, काफ़ी बड़ी प्लेयर है एंड बड़े मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, तो इनको अगर आपको लेना है तो खाका को हटा करके इनको लेना, खाका की जगह पर आप इनको ले सकते हो। एंड और कोई चेंज आपको नहीं करना है। मलाबा मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ही मुनी रहेंगी, इनकी पिटाई कर सकती हैं स्ट्राइक पे अगर रही तो, और ये चाहे तो एलिसा हैली को आउट कर सकती हैं। तो इस तरीके टीम बन के रेडी हुई है। मैंने आपको बताया कि अगर पहले बॉलिंग आती है तो यहाँ पे इनकी जगह पे आप सीधे सीधे इनको ले लेना, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन बिना सोचे समझे आपको गार्डनर को ही बनाना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तुक्का मारने वाले कुछ लोग होते हैं जो कहेंगे इसको हटा करके उसको ले लीजिए, उसको हटा कर, रिस्क मत लेना।
कभी भी इंटरनेशनल मैच में रिस्क मत लेना। अगर PSL होगा, अगर हमारे पर न्यूज आती है तो हम बताते हैं मेंबर्स को ये न्यूज है। फिर हो सकता है कि हम उसमें मोहम्मद रिजवान तक को हटा सकते हैं टीम से, बाबर आजम को हटा सकते हैं, इमाद वसीम को हटा सकते हैं, जो जो ज़्यादा पॉइंट देते हैं उनको भी हम हटा सकते हैं। लेकिन हमारे पास 100% न्यूज आनी चाहिए जो कि डोमेस्टिक मैचेज में पॉसिबल है। इसीलिए वो प्रीमियम सीरीज है हमारी, जिसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं और मेंबर्स लाखों रुपए एक एक मैच में विन करते हैं। ये सारी चीज़ें अब बात करते हैं। एक नया पैकेज हमने अनाउंस किया है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, विमेंस IPL स्टार्ट होने वाला है 4 मार्च से 26 मार्च तक ये चलेगा। ये पहला सीज़न होगा जिसमें मैंने एक अलग से ही वीडियो बनाया हुआ था इसके बारे में। तो यहाँ पे एक कम्बाइंड पैकेज हमने लॉन्च किया है जिसमें कि आपको विमेंस IPL की भी टीम मिलेगी, PSL की भी टीम मिलेगी। इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। हमारा चार्ज मार्केट में हाई है। हाई लेने की वजह होती है हमारे स्टाफ के एक्सपेंसेज, न्यूज कलेक्ट करने के एक्सपेंसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करने के एक्सपेंसेज, और आप जो पेड मेंबरशिप के लिए पैसे देते हो उससे 1 रुपये का भी हमको बेनिफिट नहीं मिलता है। आपका बजट हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज प्रेडिक्शन के वीडियो तो लगभग सारे ही मैचेस के हम बनाते हैं जो भी हमारी प्रीमियम सीरीज है। अगर आपको लगता है वीडियो को देखने से अगर आप बिजनेस कर सकते हो, करोड़ों रुपए विन कर सकते हो हमारी तरह, तो आप वैसे ही करो, फिर हमारे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर देना। आपका होस्ट नंदू संकुरी साइनिंग आउट। बाय।